गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से मैं ज़ैफ़िशा ज़ैदी। ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की सीरीज़ है जिसमें हम सॉक्रेटिस पे बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सॉक्रेटिस के डायलेक्टिकल मेथड के ऊपर बात की थी और आज हम उनके इथिकल व्यू पे, उनकी इथिकल टीचिंग के ऊपर, उनके नीतिशास्त्र को लेकर वो क्या कह रहे हैं, इस पे बात करेंगे। जैसे कि पहले भी हमने बात की कि सॉक्रेटिस बेसिकली एक एथिकल थिंकर है। वो इस प्रॉब्लम को डील नहीं कर रहे हैं कि इस ये जगत कैसे बना है, इस जगत का मूल तत्व क्या है। वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि एक अच्छा मनुष्य क्या होता है, एक सद्गुणी मनुष्य कौन है और कैसे एक सद्गुणी मनुष्य बना जा सकता है। तो सारा फोकस सॉक्रेटिस का इस पर है कि वर्चू किसे कहेंगे, वर्चुअस लाइफ क्या होती है, वो कैसे हासिल की जा सकती है। एथिक्स को लेकर सॉक्रेटिस का ये कहना था कि वो प्राइमरी नॉलेज है और फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस ये सेकेंडरी नॉलेज है। हमने पिछले वीडियो में इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। एथिक्स का मूल मुद्दा क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है एथिक्स का। सॉक्रेटिस कहते हैं कि सेंटर पॉइंट है कि शुभ क्या है, शुभ आचरण क्या है, सद्गुण क्या है और उन्हें हासिल कैसे किया जाता है। बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं सद्गुण की और उस जमाने में भी अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग विचार थे। सॉक्रेटिस ने एक बिल्कुल नई बात कही है ना। उस वक्त जो थिंकर थे, खासतौर पे सोफिस्ट थे, तो सोफिस्ट का क्या मानना था कि नॉलेज जो है, देखिए चाहे एथिकल टीचिंग सॉक्रेटिस की हो चाहे सोफिस्ट की हो, दोनों की ही एथिकल टीचिंग डिपेंड कर रही है उनकी एपिस्टेमोलॉजी पर, ज्ञान मीमांसा पर आधारित। ज्ञान को लेकर सॉफिस्टों को यह मानना है कि ज्ञान इंद्रियानुभूति से होता है, है ना, परसेप्शन से, परसेप्शन पे बेस्ड होते हैं ये नॉलेज, इसलिए नॉलेज कैसी है, सब्जेक्टिव है, आत्मनिष्ठ है, वो इंडिविजुअल पे, वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। जबकि हमने देखा सॉक्रेटिस की ज्ञान मीमांसा में कि सॉक्रेटिस मानते हैं कि जो नॉलेज है वो कॉन्सेप्चुअल होती है, संप्रत्यात्मक होती है और संप्रत्यों की जो फैकल्टी है, संप्रत्य जिससे प्राप्त की जाती है, वो रीज़न है, बुद्धि है और बुद्धि क्या है, खुद ऑब्जेक्टिव है, यूनिवर्सल है। इसलिए जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है वो कैसी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, यूनिवर्सल होती है। तो एक बहुत बड़ा अंतर है सोफिस्ट्स की ज्ञान मीमांसा में और सॉक्रेटिस की ज्ञान मीमांसा में। अब ये दो अलग अलग ज्ञान मीमांसाओं के आधार पर जब नीतिशास्त्र की बात की गई तो नीतिशास्त्र में भी एक बड़ा डिफरेंस आया, जहाँ सोफिस्ट ने ये माना कि हर चीज़ परिवर्तनशील है, हर चीज़ बदलती है, इसलिए सत्य भी बदलता है, शुभ भी बदलता है, सच्चाई भी बदलती है, आचरण भी बदलता है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि झूठ बोलना सही है तो झूठ भी बोला जा सकता है, अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि सच बोलना चाहिए तो सच भी बोला जा सकता है, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ सॉक्रेटिस ने कहा कि जो ज्ञान है वो कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है, वो वस्तुनिष्ठ होता है, वो व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, इच्छाओं, भावनाओं, संवेगों, उसकी पसंद नापसंद पे निर्भर नहीं करता है।
और आगे सॉक्रेटिस ने ही कहा कि वर्चू क्या है, है ना, एथिक्स का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है ही है कि शुभ क्या है, सद्गुण क्या है, उसका हमें पता चले। सॉक्रेटिस ने कहा कि वर्चू है नॉलेज, उनका बहुत ही फेमस कोट है कि नॉलेज इज वर्चू एंड वर्चू इज नॉलेज, ज्ञान सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए इस बात से ही ये निकलता है कि राइट थिंकिंग ज़रूरी है राइट एक्शन के लिए, आपसे सही आचरण होगा ही तब जब आप सही सोच रहे हैं, जब आपकी थिंकिंग सही है, और जो सोच रही हैं और जो कर रही हैं उसमें इंटीग्रिटी होती है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सोचते कुछ और हैं और आप करते कुछ और हैं। सॉक्रेटिस ने कहा कि जब वो ये कह रहे हैं कि वर्चू इज नॉलेज, तो जो शुभ है वो ज्ञान है, तो अशुभ क्या है, अज्ञान है, अज्ञानता ही अशुभ है, पाप है। पुण्य शुभ क्या है, ज्ञान है, और क्योंकि ज्ञान कॉन्सेप्चुअल है, यूनिवर्सल है, ऑब्जेक्टिव है, सार्वभौमिक है, इसलिए जो सद्गुण हैं वो भी कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष की इच्छाओं पर, उसकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, वो सबके लिए एक होते हैं, वो परिस्थितियों के अनुसार बदलते नहीं हैं। यहाँ पर सुकरात ने इसी जो जब वो सद्गुण सद्गुणी आचरण की जब वो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग बात उनकी इस बातचीत से निकलती है। जब हम कहते हैं कि भाई मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे अच्छा मनुष्य बनना है, मुझे सद्गुणी व्यक्ति बनना है, सदाचारी बनना है, तो आप क्या करें, सदाचरण का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे कि अगर आप टेलर बनना चाहते हैं तो आपको टेलरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और बड़े बड़े पुल और इमारतें बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी नॉलेज की ज़रूरत है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल साइंस की नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से अगर आप सदाचारी बनना चाहते हैं तो आपको सदाचरण की नॉलेज की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि सदाचार होता क्या है, तभी आप बन पाएंगे। ये एक बात। इसके आगे वो एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि सदाचरण क्या होता है तो फिर वो सदाचारी हो जाएगा। अब ये कुछ डिफरेंट बात है, हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को पता तो होता है कि हाँ सच बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी जिंदगी में झूठ बोलते हैं। पता तो होता है कि ईमानदार रहना चाहिए लेकिन बेईमानी करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो सॉक्रेटिस शायद इसका जवाब ये देंगे कि उन लोगों को पता ही नहीं है, उनको लग रहा है कि उनको पता है, कि उनको ज्ञान है, लेकिन हकीकत में उनको ज्ञान है ही नहीं, वह ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि जो हर व्यक्ति है, मनुष्य मात्र, वो सुख चाहता है, वो आनंद चाहता है, वो शांति चाहता है, इसका कोई अपवाद नहीं है, पूरी दुनिया के लोग ये चाहते हैं, और सुख शांति आनंद सदाचरण में निहित होता है, सदाचारी व्यक्ति को ही ये प्रसाद मिलता है। और जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि दुराचरण से दुख मिलता है और सदाचरण से सुख मिलता है, तो व्यक्ति क्या करेगा, सदाचरण ही करेगा,
दुर्गुणों से दूर रहेगा, सद्गुणों का पालन करेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात। हालांकि अरस्तु ने सॉक्रेटिस की इस बात की आलोचना की और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और उन्हें पता भी है कि शुभ क्या होता है, सदाचार क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, लेकिन उनके आचरण में वो चीज़ झलकती नहीं है। वो झूठ भी बोलते हैं, वो बेईमानी भी करते हैं और हम भी देखते हैं कि लोग किताबें भी लिखते हैं, भाषण देते हैं, बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में झूठ है। सॉक्रेटिस कहते हैं कि उनको ज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञानी हैं और वो इतने अज्ञानी हैं कि उनको ये भी नहीं पता है कि उनको क्या नहीं पता है। उनको ये नहीं पता, जैसे ही उनको ये नॉलेज होगी कि सदाचरण में सुख निहित है, वो यही करेंगे। और अगर किसी व्यक्ति के आचरण में ये नहीं झलक रहा है तो इसका मतलब है उसको पता नहीं है। फिर तीसरी बात सॉक्रेटिस की नीति शास्त्र में ये है कि वो कहते हैं कि वर्चू इज वन, सद्गुण एक है। अब हमें ऐसा लगता है कि सद्गुण बहुत सारे हैं, जैसे सत्य बोलना, ईमानदारी, साहस, संयम, प्रेम, करुणा, ना? तो हमें तो लगता है कि बहुत सारे सद्गुण हैं, इसकी पालन, इसको साधें, उसको साधें, उसका पालन करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये एक द्वंद्व चलता रहता है। सॉक्रेटिस ने इस द्वंद्व को पूरी तरह से हटा दिया। उन्होंने कहा कि सद्गुण सिर्फ एक है, वो है ज्ञान। तो फिर ये सब अलग अलग क्या है? उन्होंने कहा आपको साहस का ज्ञान होना चाहिए कि साहस क्या है और कायरता क्या है। आपको ज्ञान होना चाहिए कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। आपको ज्ञान होना चाहिए कि ईमानदारी क्या है और बेईमानी क्या है। जब इसका ज्ञान होगा तो सारे ये जो सारे सद्गुण हैं इन सब का ज्ञान, तो सद्गुण क्या है? ज्ञान है और वो एक है। फिर वो ये कहते हैं कि सद्गुण सिखाए जा सकते हैं। अब ये भी अलग बात है, हमें लगता है कि या तो शायद ये जन्मजात होता है कि ना, कुछ लोग जन्म से ही अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं और कुछ दुर्गुणी होते हैं, पापी होते हैं, बेईमान होते हैं, और या फिर पालन पोषण परवरिश, उनकी शिक्षा दीक्षा, जो माहौल है उससे वो वैसे बनते हैं। और जब एक बार बन जाते हैं तो फिर कहते हैं ना कि सुधारना बहुत मुश्किल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल है। सॉक्रेटिस कहते हैं कि सद्गुण सिखाया जा सकता है, वर्चू कैन बी टॉट। लाइक मैथमेटिक्स, जैसे गणित सिखाई जा सकती है, ठीक उसी तरह से सद्गुण भी सिखाए जा सकते हैं और सीखे जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत है एक टीचर की, जिसे खुद ये नॉलेज हो, ये वर्चुअस नॉलेज हो, ऐसे टीचर चाहिए और आपके अंदर वो आग चाहिए कि आप सद्गुणों को जानने के लिए आपने एक लगन हो। अगर आप में लगन है और आपको एक ऐसा टीचर मिल जाता है तो आप सद्गुणी बन जाएंगे, आपको सद्गुणों की नॉलेज मिल जाएगी। ओके, ये थी सॉक्रेटिस की नीति शास्त्र, जिसमें अगर हम इस पूरी बातचीत को समराइज करें तो वो तीन चार बातें कह रही हैं। पहली चीज़ कह रही है वो कि नीति शास्त्र प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी नॉलेज है। दूसरी चीज़ वो कह रही हैं कि अगर सद्गुणी व्यक्ति बनना है तो हमें सद्गुणों का ज्ञान होना ज़रूरी है। सद्गुण क्या है? नॉलेज है।
सद्गुण क्या है? ज्ञान है। दुर्गुण क्या है? अज्ञानता है। फिर वो तीसरी बात कह रही है कि सद्गुण एक है, अनेक नहीं है। फिर चौथी बात कह रही है कि सद्गुण सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बेईमान हैं तो आप जिंदगी भर बेईमानी बने रहें, बेईमान ही बने रहें। आपकी चॉइस है, आप चुनाव कर सकते हैं, आप चुन सकते हैं अगर आपको ऐसा टीचर मिल जाता है। तो ये थी सुकरात की नीति मीमांसा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉक्रेटिस के ऊपर जो मुकदमा चला और उन्हें मृत्युदंड दिया गया उसके ऊपर। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।